किसान आंदोलन वापस से शुरू हो गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान लगभग हजारों की संख्या में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर टिके हुए हैं। क्या कारण है कि वापस से क्यों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं? आइए अच्छे से जानते हैं किसान आंदोलन वापस से क्यों शुरू हुआ है और सरकार ने क्या वादे किए थे जो पूरे ना हो सके, जिसकी वजह से किसान फिर भड़के हैं और अभी किसान क्या चाहते हैं। सबसे पहले किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार MSP की गारंटी दे। दूसरा मुद्दा, किसान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे पिछले वर्ष जब वो आंदोलन कर रहे थे, वो सारे मुकदमे वापस हो। और तीसरा कि लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा और पीड़ित को न्याय मिले। चौथी मांग किसानों की है कि प्रदूषण कानून जो है, जिसमें किसानों को सजा की बात की गई है, उससे उन्हें बाहर कर दिया जाए। पांचवी मांग किसान कर रहे हैं कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर किसान वापस दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2020 में 5 जून को मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आती है। फिर उसी साल 14 सितंबर के दिन केंद्र की सरकार इन अध्यादेशों को संसद में पेश करती है। फिर 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हो जाते हैं। फिर 3 दिन बाद विपक्ष के भारी विरोध के वजह से राज्यसभा में भी यह पारित कर दिए जाते हैं और उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कानून पर मोहर लगा देते हैं और इसे कानून की शक्ल मिल जाती है। और फिर किसानों का विरोध शुरू होता है। किसान संगठन दिल्ली चलो का नारा देते हैं और दिल्ली की सीमाओं पर जुटने लगते हैं। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बात शुरू होती है। फिर कृषि कानूनों में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को किसान खारिज कर देते हैं। उसके बाद दिसंबर 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिससे जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। और ये यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है। वहीं केंद्र की सरकार इसे लेकर विपक्षी दलों की बैठक करती है। फिर वापस से किसान हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की बैठकें शुरू करते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 8 लोगों की मौत हो जाती है। इतना सब होने के बाद 19 नवंबर 2021 को मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर देती है। फिर 2 दिसंबर 2021 को कानून मंत्रालय कृषि कानून को निरस्तीकरण करने का कानून लेकर आती है और 2021 में ही इसे अधिसूचित कर दिया जाता है। फिर हमारे किसान भाई अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लेते हैं, लेकिन 9 फरवरी 2022 को सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान उस समय सरकार और किसानों के बीच जो बात हुई थी, उसमें कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा भी कुछ वादे किसानों से किए गए थे। किसान भाइयों से कहा गया था कि सरकार किसानों की सारी मांगों को पूरा कर लेगी और हमारी सरकार के पास 2023 का पूरा समय था, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना और इसीलिए वो वापस से आंदोलन कर रहे हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि किसानों ने यही समय क्यों चुना। इस पर किसान नेताओं का कहना है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर अगले चुनाव में सरकार बदल जाती है तो नई सरकार किसानों से ये कह सकती है कि हमने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया। इसीलिए किसान संगठन ने चुनाव के ठीक पहले का समय चुना है, ताकि वो सरकार को ये याद दिला सके कि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। और ये सवाल आपके मन में होगा कि आखिर ये MSP है क्या, सरकार इसे क्यों नहीं ला रही है। आइए जानते हैं। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब सरकार किसानों की फसल का एक फिक्स रेट तय करती है, जिससे किसानों को ये गारंटी मिल जाती है कि उनकी फसल को MSP जितनी मिनिमम कीमत तो मिल ही जाएगी और उनका घाटा नहीं होगा। लेकिन अनाज खरीदने वाले व्यापारी MSP को सपोर्ट नहीं करते और इसी वजह से हर बार सरकार को ही किसानों का अनाज खरीदना पड़ता है। और इस पर कुछ एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि MSP लागू करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि सरकार इतने सारे अनाज को स्टोक कहाँ करेगी और सबसे बड़ी बात, अनाज खरीदने के लिए इतना पैसा सरकार कहाँ से लाएगी। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका एक समाधान निकाला है। मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने PDP का रास्ता निकाला है, जिसका मतलब प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, यानी अनाज बेचने के बाद किसानों को मिली मार्केट प्राइस और सरकार की MSP के बीच जितना अंतर होगा उतना पैसा किसानों को सरकार दे देगी। और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो किसानों को MSP जरूर देंगे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को MSP दे देना चाहिए? और अगर सरकार MSP को नहीं लागू करती है तो फिर आगे क्या होगा? या सरकार को इसके बीच का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।